मैं बनाने वाला हूँ शिमला मिर्च की सब्जी। बेसिकली अगर आपके किचन में कोई सब्जी ना पड़ी हो, मतलब कोई भी सब्जी ना हो बनाने के लिए, तो आप शिमला मिर्च की और ये प्याज की सब्जी आराम से बना सकते हैं। बहुत ही इजी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। इसका जो टेस्ट है वो हल्का सा टेंगी सा होता है और हल्का सा स्वीट सा होता है, और टेस्ट का आप पूछो। और ज़्यादातर ये रेस्टोरों में, होटल में और ये जो रोड साइड ढाबे होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा मिलती है रेसिपी। तो आज बनाते हैं इस रेसिपी को और बताते हैं आपको इसके सीक्रेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस का मज़ा ले सकें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया 1 कप दही, 1 टमाटर, 3 प्याज और लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिए और जो इनमें से 1 प्याज है मैं उसे निकाल रहा हूँ। जो बाकी की 2 प्याज हैं इन्हें हम बारीक चॉप कर लेंगे और जो 1 प्याज है उसे पेटल से। तो लहसुन को, प्याज को और टमाटर को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो बारीक चॉप करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना। और लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया है और जो 1 प्याज हमने निकाली थी उनको इस तरह से मैंने पेटल्स में काट लिया। इसी तरह से हम शिमला मिर्च को पेटल्स से काटेंगे और उसे भी इसी तरह से सब्जी में डालेंगे। तो उसके बाद मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई को गर्म कर लिया। आपको तो पता ही है जो कुकिंग होती है वो कुकिंग सरसों के तेल में यानी कि मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी होती है और टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया और उसमें डाल दिया मैंने थोड़े से खड़े मसाले के। मैंने एक बड़ी इलायची डाली और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया। तो जो खड़ी इलायची है उसे इस तरह से हम थोड़ा सा मैश कर देंगे, फोड़ देंगे, ताकि जो उसका फ्लेवर है वो अच्छे से सब्ज़ी में। जैसे ही जो हमारे मसाले भुन जाएंगे उसके बाद मैंने डाल दिया लहसुन और लहसुन को भी हल्का सा मैंने भून लिया। जब तक तो लहसुन भूनने के बाद हम इसमें डाल देते हैं अपनी प्याज। तो प्याज डाल दिए तो प्याज को अब मैं भूनने का तरीका बताता हूँ। इसमें हम थोड़ी सी कुकिंग अलग करेंगे, मतलब कुछ अलग तरीके से इसे पकेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बाकी सब्जियों में जो प्याज होती है उसे गोल्डन ब्राउन करते हैं, मतलब कि जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती जब तक हम उसे पकाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे कि आप बरिस्ता देखा होगा जो बिरयानी में डलता है, सेम उसी तरीके से हमें इस प्याज को पकाना है। मतलब कि एक तरीके से ये बोल ले ओवर कुक करना है प्याज को, ताकि वो मीठा वाला फ्लेवर आ सके, स्वीट फ्लेवर ना आ सके। तो उसके लिए प्याज को हम काफ़ी देर तक इसमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार इसने तो प्याज जलाई नहीं, लेकिन प्याज नहीं जली है, वो थोड़ी सी ओवर कुक हुई है। और जो मैं बता रहा था ये बरिस्ता बनाया बेसिकली, तो बरिस्ता जो होता है वो स्वीट फ्लेवर, मतलब कि प्याज जब हल्की हल्की सी भुन जाती है ज़्यादा, तो उसमें स्वीट फ्लेवर देती है। तो उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर के बाद सीधा नमक डाल दिया और आधा छोटे चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और काफ़ी सारा मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाला है जो कि कलर को बढ़ाता है। उसके बाद सारे मसालों को अच्छे से अपने प्याज टमाटर के साथ भून लेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्लेवर दे सके। और आपको तो पता ही है मसालों में ऑयल होता है, ताकि वो ऑयल भी सेपरेट हो सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर करीब 1/4 कप पानी डाला है, मतलब कि थोड़ा सा ही पानी है, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो मसाले हैं उन्हें अच्छे से मिला। मसाला मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसे ढककर हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, जो तो हमारे टमाटर वो अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो 1 से 2 मिनट बाद आप देख सकते हो जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है, सेपरेट हो चुका है, और जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से गल चुका है। तो यानी कि जो हमारा मसाला है वो तो बेसिकली मतलब 70% रेडी। उसके बाद क्या करा है, मैंने मसाले को हल्का सा चलाने के बाद उसमें डाला है 1 छोटा चम्मच बेसन। अब मैं बेसन का फ़ायदा बताता हूँ, एक ग्रेवी को थिक करता है, मतलब कि जो कंसिस्टेंसी होती है उसे बढ़िया करता है, और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है इसमें। ग्राम का यानी कि चने का फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। और किसी भी सब्ज़ी में आप बेसन को डाल लीजिए 1 चम्मच, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 कप दही, और दही डालने के बाद सीधा से चलाएंगे। तो दही मैंने मीडियम फ्लेम पर डाली, अगर आप तेज़ फ्लेम पर डाल दोगे तो दही फटने के आसार आ जाते हैं, इसलिए मैंने क्या करा है दही को लो फ्लेम पर डाल दिया, ताकि जो दही है हमारी फटे। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से चला दिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारी ग्रेवी।
तो अब जैसा कि आपको पता है इसमें टमाटर डाला है और दही डाली है, तो ये थोड़ी सी ना टेंगी हो चुकी है, खट्टी हो चुकी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्वीट फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चीनी भी डाली। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा पानी डालकर, करीब 1/4 से कम ही पानी डाला है मैंने, पानी डालकर इसे ढकने के लिए, ढक के पकने के लिए छोड़ और आराम से 3-4 मिनट के लिए भूल जाना कि आपने कोई सब्जी, मतलब सब्जी बनाई है लेकिन ऐसे भूल। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हो बबल्स आने शुरू हो गए, यानी कि पानी जो हमारा वेपर्स हैं वो निकल रही है पानी वाली, और ये हल्की हल्की सी थिक भी हो गई, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है और अभी तो और भी ज़्यादा थिक होगी, अभी और भी हम ढककर पकाने वाले हैं सब्जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया शिमला मिर्च, तो शिमला जो मैंने इसे पेटल्स में काटा और जो हमारी प्याज है वो तो मैंने काट के दिखाई थी, उसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, यानी कि भुने हुए जीरे का पाउडर। मैंने कहा था ना फ्लेवर्स अलग ऐड करेंगे, मतलब अलग तरीके से बनाएंगे, तो उसके बाद सारी सब्जियों को डालने के बाद और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालने के बाद इसे फिर से हम 3-4 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें पकने के लिए, मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद ये देखें जो ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है, जैसे कि होटल में या फिर रेस्टोरेंट में होता है, और देखने में कितना बढ़िया लगता है, और जो कंसिस्टेंसी है वो भी आप देख सकते हो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जैसे ग्रेवी हमें चाहिए हमें वैसे ही ग्रेवी होती है। तो यही है सीक्रेट्स बोल लीजिए, टिप्स बोल लीजिए शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के। तो आप भी अगर किचन में कोई सब्जी नहीं पड़ी है तो इस सब्जी को ज़रूर बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।